बड़े बड़े शहरों से लोग कई बार इस तरह गायब हो जाते हैं जैसे घुप अंधेरे में जल रही मोमबत्ती अचानक से बुझ जाए। उन्हें तलाशने के सारे माध्यम काम में लाए जाते हैं, जैसे तर्क और अनुमान का अच्छा इस्तेमाल करने वाले शातिर जासूस, जो शहर की अंधेरी गलियों में खोज करने के लिए शिकारी कुत्ते के समान होते हैं। कभी कभी गायब हो चुके इन लोगों की सूरत तक दिखाई नहीं देती, मगर कभी कभी ये दूर किसी बीहड़ इलाके में घूमते नजर आ जाते हैं। इन्हें अपनी पिछली जिंदगी का कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी है मैरी स्नाइडर की। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुनो कहानी हॉरर के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम है वीरेन और आज के इस एपिसोड में मैं लेकर आया हूँ ओ हेनरी की एक बेहद ही दिलचस्प जासूसी कहानी। कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मीक्स नाम का एक अधेड़ उम्र का शख्स अपनी बहन को तलाशते हुए पश्चिम से न्यूयॉर्क आया था। उसकी बहन मैरी स्नाइडर एक विधवा थी। उसकी उम्र करीब 52 साल थी और वो पिछले एक साल से नगर की एक घनी बस्ती में एक किराए के घर में रहती थी। उस पते पर पड़ताल करने पर पता चला कि वो वहां से एक महीना पहले ही चली गई। अब उसके नए पते के बारे में किसी को भी मालूम नहीं था। वहां से बाहर आकर मीक्स ने चौराहे पर एक पुलिस वाले को खड़ा देखा। मीक्स ने सोचा कि शायद वो पुलिस वाला उसकी मदद कर सकता है। मीक्स उसके पास गया और उससे बोला, हेलो ऑफिसर, मेरा नाम मीक्स है। मैं अपनी बहन मैरी स्नाइडर को ढूंढ रहा हूँ। मेरी बहन बहुत गरीब है और मैंने अभी हाल ही में शीशे की खदान से बहुत सारा धन कमाया है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सारी खुशियाँ जो मैंने कमाई है अपनी बहन के साथ भी बांटूँ। क्या आप मेरी बहन को ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं ऑफिसर? मैं अखबार में इश्तिहार भी दे सकता था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि मेरी बहन को पढ़ना नहीं आता। अपनी मूछों में बल देते हुए वो पुलिस वाला कुछ ऐसे संजीदा और महत्वपूर्ण सोचों में डूब गया मानो जैसे वो छप्पड़ फाड़ कर हाथ डालेगा और मीक्स की बहन को ढूंढ निकालेगा। उसके बाद वो पुलिस वाला बोला, तुम एक काम करो, इस नहर वाली गली की बस्ती में जाओ और वहां एक ठेला हाँकने का प्रयास करो। वहां की बुढ़ियाओं को ठेलों के नीचे आकर दबने की आदत है, हो ना हो तुम्हारी बहन भी तुम्हारे सामने आ ही जाएगी। और अगर तुम ये नहीं चाहते तो एक काम करो, सीधा सदर थाने जाओ और वहां जाकर अपनी बहन को ढूंढने के लिए गुप्तचर लगवा लो। मीक्स ने ठीक वैसा ही किया। वो सीधा सदर थाने गया और वहां जाकर उसको शीघ्र ही मदद मिल गई। पूरे नगर भर में ढिंडोरा पिटवा दिया गया और मैरी स्नाइडर की जो तस्वीर मीक्स के पास थी उस तस्वीर की कई सारी कॉपियां बनाकर हर थाने में भिजवा दी गई। मलबरी स्ट्रीट में कोतवाल साहब ने मैरी स्नाइडर का ये केस डिटेक्टिव मलिन्स को सौंप दिया। डिटेक्टिव मलिन्स मीक्स को एक साइड में लेकर गया और उससे बोला, देखिए सर, आपकी बहन को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आप एक काम कीजिए, सबसे पहले अपनी दाढ़ी मुंडवा लीजिए और उसके बाद अपने जेबों में महंगी सिगार भरकर आप मुझे दोपहर के 3 बजे वर्ल्ड ऑफ कैफे में मिले। डिटेक्टिव मलिन्स ने जैसा कहा मीक्स ने वैसा ही किया। वो ठीक दोपहर 3 बजे वर्ल्ड ऑफ कैफे में पहुंचा। उसने देखा वहां डिटेक्टिव मलिन्स उसका पहले से इंतजार कर रहा था। डिटेक्टिव मलिन्स ने शराब की एक महंगी बोतल मंगाई और उसके बाद वो मीक्स से उसकी गुमशुदा बहन के बारे में कुछ सवाल पूछने लगा। देखिए सर, वैसे तो न्यूयॉर्क एक बड़ा शहर है और यहाँ के डिटेक्टिव्स का काम करने का तरीका नियमित है। आपकी बहन को तलाशने के 2 तरीके हैं। उनमें से पहले हम एक पर काम करेंगे। आपने बताया था कि आपकी बहन की उम्र 52 साल है। मिस्टर मीक्स बोले, 52 साल से थोड़ी ज्यादा होगी। उसके बाद डिटेक्टिव मर्लिन्स मिस्टर मीक्स को शहर की एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में लेकर गया और वहां उसने एक इश्तिहार लिखा जिसमें लिखा था, हमारे नए संगीत महोत्सव के लिए हमें 100 सुंदर कोरस गायिकाओं की जरूरत है, नंबर ब्रॉडवे पर तुरंत आवेदन करें। मिस्टर मीक्स को यह इश्तिहार पसंद नहीं आया। वो बोले,
मेरी बहन तो एक गरीब बूढ़ी और मजदूर औरत है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस प्रकार का इश्तेहार आखिर उसको तलाशने के लिए किस तरह काम आएगा। डिटेक्टिव मलिन बोला, जैसी तुम्हारी इच्छा, अगर तुम चाहते हो कि ये ना छपे तो नहीं छपेगा। मुझे ऐसा लगता है मिस्टर मेक्स कि आपको न्यूयॉर्क के बारे में जरा भी जानकारी नहीं है। अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं तो हम दूसरा तरीका अपनाएंगे जो मुझे पूरा यकीन है कि सफल होगा, लेकिन उसमें खर्च थोड़ा ज़्यादा होगा। उसके बाद डिटेक्टिव मलिन्स मिस्टर मेक्स को वापस वॉल्डोर्फ कैफे में लेकर गए और मिस्टर मीक्स से कहा कि दो बेडरूम किराए पर ले लो और एक बैठक भी। मिस्टर मीक्स ने वैसा ही किया जैसा डिटेक्टिव मलिन्स ने कहा था। उसके बाद होटल स्टाफ द्वारा दोनों को चौथे फ्लोर पर एक शानदार कमरे में ले जाया गया। मिस्टर मीक्स आश्चर्यचकित होकर डिटेक्टिव मलिन्स का मुंह ताकने लगे। डिटेक्टिव मलिन्स ने मखमल की आराम कुर्सी में लेटते हुए अपनी जेब से सिगरेट की एक डिबिया निकाल ली। उसके बाद डिटेक्टिव मलिन्स बोला, मैं आपसे कहना भूल गया था कि अगर आप पूरे महीने के लिए दो कमरे किराए पर लेते तो आपको सस्ते पड़ते। मिस्टर मीक्स हैरानी से बोले, पूरे महीने के लिए क्या मतलब है तुम्हारा? डिटेक्टिव मलिन्स बोला, देखिए सर, इस तरह से काम लेने में वक्त लगता है। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें खर्चा थोड़ा ज्यादा होगा और हमें बसंत के मौसम तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा, तब कहीं जाकर नई टेलीफोन डायरेक्टरी छपेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारी बहन का नाम और पता उस डायरेक्टरी में जरूर मिल जाएगा। मिस्टर मीक्स को ये डिटेक्टिव पसंद नहीं आ रहा था, तो इसलिए उन्होंने डिटेक्टिव मलिन से तुरंत ही छुटकारा पा लिया। अगले दिन किसी ने मिस्टर मीक्स को न्यूयॉर्क के एक फेमस निजी जासूस शैमरॉक जोन्स से परामर्श करने का सुझाव दिया। ये जासूस अपनी फीस तो मोटी लेता था पर रहस्यमय पहेलियों और अपराधों को सुलझाने में करिश्मा दिखा देता था। इस महान जासूस के ऑफिस में बैठक में करीब दो घंटा इंतजार करने के बाद मिस्टर मीक्स को उससे मुलाकात करने का मौका मिल गया। डिटेक्टिव जोन्स जामुनी रंग का चोगा पहने अपने सामने बिखरी हुई हाथी दांत निर्मित शतरंज की मोहरों को देख रहा था और मन ही मन कोई गहरी चाल सोच रहा था। वहीं पास ही एक पत्रिका खुली पड़ी हुई थी। जोन्स का पतला विचारपूर्ण चेहरा, उसकी तेज नजर और उसकी परामर्श का हर एक शब्द बेहद ही सटीक था। मिस्टर मीक्स ने डिटेक्टिव जोन्स को अपना परिचय दिया और वहां आने की वजह बताई। जवाब में डिटेक्टिव जोन्स ने कहा, देखिए मिस्टर मीक्स, अगर मैं आपकी समस्या का समाधान ढूंढने में सफल हो गया तो मैं $500 फीस लूंगा। मिस्टर मीक्स ने उसकी ये बात मान ली और उसके बाद डिटेक्टिव जोन्स फिर बोला, तो ठीक है मिस्टर मीक्स, मैं आपका यह केस अपने हाथ में लेता हूँ। इस शहर में लोगों के अदृश्य हो जाने वाले मामलों में मुझे बड़ी ही दिलचस्पी है। मुझे अच्छे से याद है, एक साल पहले भी ठीक इसी तरह का एक और मामला मैंने सफलतापूर्वक हल किया था। क्लार्क नाम का एक परिवार अपने एक छोटे से फ्लैट से अचानक गायब हो गया था और इस समस्या का समाधान निकालने के लिए मैंने अगले एक महीने तक उस घर की अच्छे से देखरेख की। तब जाके एक दिन मुझे पता चला कि उनका दूध वाला और पंसारी का लड़का जब उन्हें सामान देने के लिए उनके फ्लैट में सीढ़ियों से ऊपर जाता था तब वो उल्टे पैर चला करते थे। अपने इसी मुआयने के सहारे मैंने अंदाजा लगाया और गुमशुदा परिवार का पता लगा लिया। वे लोग उसी मकान के सामने वाले फ्लैट में रह रहे थे और उन्होंने अपना नाम भी बदलकर रॉल्क रख लिया था। अपनी ये कहानी बताने के बाद शैमरॉक जोन्स मिस्टर मीक्स को लेकर उसी घर में गए जिस घर में मिस्टर मीक्स की बहन मैरी रहा करती थी। डिटेक्टिव जोन्स ने उस कमरे को देखना चाहा जिस घर में मैरी रहा करती थी। उसके गायब हो जाने के बाद किराएदार ना आने की वजह से वो कमरा अभी तक खाली पड़ा हुआ था। वो कमरा छोटा, धुंधला और साधारण सजा हुआ था। मिस्टर मीक्स निराश होकर वहीं पास में पड़ी एक कुर्सी में बैठ गए और डिटेक्टिव जोन्स ने अपनी जांच शुरू कर दी। उसने उस कमरे की दीवारें, उसका फर्श और उसके टूटे हुए फर्नीचर का चप्पा चप्पा छान मारा। करीब आधे घंटे तक अपनी जांच करने के बाद डिटेक्टिव जोन्स ने कुछ अजीब सी दिखने वाली चीजों को इकट्ठा किया, जिसमें से एक काली सस्ती हेडपिन थी।
और एक किसी नाटक के कार्यक्रम का फटा हुआ कागज का टुकड़ा था और एक छोटा सा गला सड़ा गत्ते का टुकड़ा जिसमें लिखा हुआ था बाईं तरफ C12। अगले कुछ 10 मिनट तक शैमरॉक जोन्स एक कुर्सी में बैठकर एक स्तंभ से अपना सिर टिकाए चुपचाप उन चीजों को निहार रहा था। उसके विचारशील चेहरे पर विचारों की गहरी रेखाएं उभर आई थी। कुछ देर बाद एकाएक ही वो जोश के साथ चीखा, मिस्टर मीक्स, चलिए, समस्या का समाधान हो गया। चलिए मैं आपको सीधे उस घर तक लेकर चलता हूं जहां इस वक्त आपकी बहन रह रही है, और आप उसकी राजी खुशी के बारे में भी चिंतित ना होइए, क्योंकि इस वक्त आपकी बहन बहुत खुश है और उसके पास धन की कोई कमी नहीं। डिटेक्टिव जोन्स की ये बात सुनकर मिस्टर मीक्स जितना खुश थे उतना ही हैरान भी थे। तारीफ से भरे हुए शब्दों के साथ उसने पूछा, आपको कैसे मालूम चला? डिटेक्टिव जोन्स की एकलौती कमजोरी यही थी कि उसे अपनी तर्क शक्ति से अर्जित नतीजों पर व्यवसायिक अभिमान होता था। अपने तरीकों का बखान करके वो सुनने वालों को दंग करने में बड़ी ही रुचि लेता था। अपने छोटे मोटे सुरागों को मेज पर परोसने के बाद डिटेक्टिव जोन्स बोला, बस अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाने के बाद मुझे चीजें समझ में आने लगती हैं। आपने बताया था कि आपकी बहन चौका बर्तन करती थी, वो दफ्तरों और मकानों में झाड़ू भी लगाती थी। मान लो कि उसे किसी थिएटर में जमीन साफ करने का काम मिल गया। मिस्टर मिक्स, आप ही सोचिए, औरतों के अधिकतर गहने कहाँ गायब होते हैं? मैं बताता हूँ, उनके गहने ज्यादातर अंधेरे थिएटर में ही गायब होते हैं। आप इस कार्यक्रम वाले कागज के टुकड़े को देखो, इसमें जो गोल सा निशान है ये एक अंगूठी का निशान है। इस कागज को शायद किसी अंगूठी के चारों तरफ लपेटा गया है, शायद वो अंगूठी बहुत कीमती थी। उस थिएटर में सफाई करते हुए मैरी स्नाइडर को ये अंगूठी मिली होगी। बस उसी वक्त मैरी स्नाइडर ने कार्यक्रम का एक पन्ना फाड़ा, उसमें उस अंगूठी को लपेटकर अपनी चोली में खोंस लिया। अगले दिन उस अंगूठी को बेचकर उसे काफी सारा पैसा मिला, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। उसके बाद वो अपने रहने के लिए और अधिक आरामदायक कमरा ढूंढने लगी। इन घटनाओं की श्रृंखलाओं के सहारे जब मैं यहां तक पहुंच जाता हूं, तब मुझे क्रमांक C12 एवेन्यू के बारे में कोई भी भ्रम नहीं हुआ। बस उसी स्थान पर हम आपकी बहन को मौजूद पाएंगे। एक कामयाब कहानीकार की भांति डिटेक्टिव जोन्स ने अपनी बात खत्म की। ये सारी बातें सुनकर मिस्टर मीक्स की खुशी सातवें आसमान पर थी। वो अपनी बहन से मिलने के लिए बहुत उतावले थे। उसके बाद मिस्टर मीक्स और डिटेक्टिव जोन्स दोनों C12 एवेन्यू गए। ये एक पुराने तरीकों से बना हुआ लाल पत्थर का घर था, जिसके पड़ोस में नामी गिरामी और रईस लोग रहते थे। डिटेक्टिव जोन्स ने घंटी बजाई। थोड़ी देर में एक अधेड़ उम्र की महिला ने दरवाजा खोला। डिटेक्टिव जोन्स ने कहा, मिसेज मैरी स्नाइडर? तब उस महिला ने अपना नाम मार्था मैथ्यूज बताया। उस महिला से पूछने पर पता चला कि मैरी स्नाइडर नाम की कोई औरत वहां नहीं रहती, और पिछले 6 हफ्तों से उस घर में कोई नया किराएदार आया भी नहीं। वहां से बाहर आने के बाद मिस्टर मीक्स ने अपनी बहन मैरी स्नाइडर के पुराने घर से प्राप्त किए गए उन सुरागों को एक बार फिर से देखा। फिर मिस्टर मीक्स ने थिएटर के कार्यक्रम के पर्चे को अपने नाक के करीब लाकर सूंघा और फिर डिटेक्टिव जोन्स से बोला, वैसे मैं कोई जासूस तो नहीं हूँ डिटेक्टिव जोन्स, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस कागज के टुकड़े में अंगूठी के बजाय पेपरमिंट की गोली दबाई गई थी, और इस छोटे गत्ते के टुकड़े को देखो, इसमें किसी घर का पता नहीं बल्कि किसी सीट का लोकेशन लिखा हुआ है, बाईं तरफ पंक्ति सी, सीट नंबर 12। मिस्टर मीक्स की बातें सुनकर डिटेक्टिव जोन्स ने मिस्टर मीक्स की आंखों में गहराई तक झांका और फिर कहा, मेरे ख्याल से आपको जगिंस की मदद लेनी चाहिए मिस्टर मीक्स। मिस्टर मीक्स ने पूछा कि जगिंस कौन है? तब डिटेक्टिव जोन्स ने बोला, जगिंस नए जासूस बनाने वाले स्कूल के लीडर हैं। उनके काम करने का ढंग हमारे तरीकों से बहुत अलग है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कई सारे मुश्किल और पेचीदा केसेस को आसानी से हल किया है। मैं आपको उनसे मिलवा दूंगा। उसके बाद डिटेक्टिव जोन्स मिस्टर मीक्स को लेकर जगिंस के दफ्तर में पहुंचे। जगिंस अपने दफ्तर में बैठे मिले।
वो सफेद बालों वाले एक ठिगने कद के व्यक्ति थे। वो हॉथॉर्न की एक किताब पढ़ने में मशगूल थे। डिटेक्टिव जगिंस और डिटेक्टिव जोन्स ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हाथ मिलाए। उसके बाद मिस्टर मीक्स का भी परिचय दिया गया। अपनी किताब पर ही नजर गड़ाए हुए जगिंस ने कहा, अपनी समस्या बताएं। मिस्टर मीक्स ने अपनी सारी समस्या और अब तक की गई जांच के बारे में जगिंस को बताया। मीक्स की बात सुनकर उस महान जासूस ने अपनी किताब बंद की और कहा, तो मैं ये मान लूं कि आपकी बहन 52 साल की है और उनकी नाक के पास एक काला मस्सा भी है। चेहरे मोहरे से देखने में वो गृहस्थ लगती है और चौंका बर्तन करके अपना पेट पालती है। मिस्टर मीक्स ने स्वीकारा और कहा कि बस यही उसका सटीक हुलिया है। डिटेक्टिव जगिंस अपनी कुर्सी से उठे और खूंटे में टंगा अपना हैट उतार के सिर पर पहन लिया और मिस्टर मीक्स और डिटेक्टिव जोन से कहा, आप लोग यहाँ इत्मीनान से बैठे, मैं अभी 15 मिनट में उसका वर्तमान पता लेकर लौटता हूँ। इतना कहकर डिटेक्टिव जगिंस अपने दफ्तर से बाहर निकल गए। मिस्टर मीक्स ने डिटेक्टिव जोन्स की तरफ देखा। डिटेक्टिव जोन्स का चेहरा बदरंग हो गया था। वो मिस्टर मीक्स को देखकर बड़े ही मुश्किल से मुस्कुरा पाया। करीब 15 मिनट के बाद डिटेक्टिव जगिंस अपने दफ्तर में वापस लौटे। उनके हाथ में एक पर्चा था। डिटेक्टिव जगिंस ने उस पर्चे को पढ़ते हुए मिस्टर मीक्स से कहा, आपकी बहन मैरी स्नाइडर नंबर 162 चिल्टन गली में मिलेगी। वहां 5 सीढ़ियां तय कर एक पिछवाड़े कमरे में वो रहती हैं। घर यहां से सिर्फ 4 मकान की दूरी पर ही है। आप चाहें तो वहां जाकर इस बात की पुष्टि कर सकते हैं मिस्टर मीक्स। तब तक डिटेक्टिव जोन्स यही मेरे दफ्तर में आपका इंतजार करेंगे। मिस्टर मीक्स उसी वक्त उठे और डिटेक्टिव जगिंस के दफ्तर से बाहर निकल गए और सीधा उस पते पर गए जो जगिंस ने बताया था। और करीब 20 मिनट के बाद वो चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान लिए वापस लौटे। मिस्टर मीक्स ने मुस्कुराते हुए डिटेक्टिव जगिंस से कहा, मेरी बहन मैरी स्नाइडर मिल गई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डिटेक्टिव। आपकी फीस कितनी हुई? डिटेक्टिव जगिंस ने कहा, सिर्फ $2। मिस्टर मीक्स ने डिटेक्टिव जगिंस को $2 दिए और हंसी खुशी वहां से चला गया। मिस्टर मीक्स के जाने के बाद शैमरॉक जोन्स ने भी अपना टोप अपने सिर पर पहना और उठकर जाने लगा। लेकिन फिर वो पलटा और हकलाते हुए उसने डिटेक्टिव जगिंस से कहा, अब अगर आप बुरा ना माने और आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या आप बताएंगे कि आपने मैरी स्नाइडर के बारे में कैसे पता लगाया? डिटेक्टिव जगिंस ने कहा, नहीं नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं तुम्हें बता सकता हूं कि मैंने मैरी स्नाइडर का पता कैसे लगाया। आपको मैरी स्नाइडर का हुलिया तो याद ही होगा। क्या आप इस प्रकार की किसी महिला को जानते हैं जो अपनी एक बड़ी सी रंगीन तस्वीर बनाने के लिए साप्ताहिक किश्त नहीं चुका पाई थी? ऐसी तस्वीरों का सबसे बड़ा कारखाना यहीं पास ही की नुक्कड़ पे है। मैं वहीं उस कारखाने में गया और मैरी स्नाइडर का पता लिखलाया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुने। मुझे और इस कहानी को यहां तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।